आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, हालांकि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और एक बात, आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर आपका 25 है, और अपने आप को जज कर रहा है कि आज के करंट अफेयर के रिवीजन क्लास में कितने आंसर आपको नहीं पता थे, यानी कितने आपको गलत पता थे, क्योंकि ज़्यादातर आंसर जो है वो आपको सही पता होगा, ठीक है। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। प्ले स्टोर में इसका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी जो है वो स्पीड टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? पॉलिटिशियन थे, पोएट थे, राइटर थे या इकोनॉमिस्ट थे? तो सही आंसर इसका है, जो वैद्यनाथ मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दो नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। दुनिया का पहली विशेष महिला क्रिकेट पत्रिका हाल ही में लॉन्च की गई है, ये जो पत्रिका है का नाम बताना है आपको, ठीक है, उस मैगजीन का नाम क्या है? तो मैगजीन का जो नाम है वो है आपका क्रिक जोन। और एक बात मैं बता दूं, इसके अंदर जो है स्मृति मंदाना, आपको पता है ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बहुत अच्छे बल्लेबाज बैट्समैन हैं, इनका जो कवर स्टोरी है वो पूरा कवर किया गया है इनके ऊपर क्रिक जोन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला वुमेन क्रिकेट मैगजीन कौन सा है जो लॉन्च किया गया, उस मैगजीन का नाम क्या है? क्रिक जोन। तो ये याद रखिएगा, क्रिक जोन है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो ये है, न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका को हाल ही में चीफ जस्टिस बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई गई है, किस हाई कोर्ट का आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने चार है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट या फिर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटका हाई कोर्ट। और आपका पहला जो प्रश्न है वो यही है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री और वहां के जो गवर्नर है, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है, मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है कर्नाटका का, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में किस नामक डेंगू बुखार के खिलाफ पहले टीका को मंजूरी दे दी है, आपको ये बताना है, ठीक है। नाम क्या है उस टीके का? तो याद रखिएगा, उस टीके का नाम है डेंगा वैक्सिका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अगेंस्ट डेंगू फीवर नेम्ड क्या दिया गया है, डेंग वैक्सिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए डेंग वैक्सिका जो है वो नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिन्होंने बाजार मूल्यांकन द्वारा देश की सबसे मूल्यवान कंपनी की स्थिति को पुनः प्राप्त किया है, यानी टॉप पोजीशन पर कौन सा कंपनी है इंडिया का, आपको बताना है, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है, इंफोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड या एचडीएफसी। और सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सामने डेनियल विलिंगटन जिनको हाल ही में एक अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है, वो किसे बनाया गया है? और वो एक अभिनेता है। और सही आंसर क्या है? आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया ये डेनियल विलिंगटन है क्या? तो ये एक घड़ी की कंपनी है, जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, किस एक्टर को? तो वो एक्टर का नाम है आयुष्मान खुराना। ये चीज आपको याद रखना है, डेनियल विलिंगटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, जो एक घड़ी की कंपनी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है, या फिर बोल सकते हैं किसे अपॉइंटेड किया गया है, या फिर किसे नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में, यानी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और सही आंसर क्या है इसका? तिजानी मोहम्मद बंदे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है आपका लिस्बन। और लिस्बन जो है वो किसका राजधानी है? तो ये पुर्तगाल का राजधानी है लिस्बन, ठीक है। और पुर्तगाल का करेंसी क्या है? तो सभी को पता है पुर्तगाल का जो करेंसी है वो भैया यूरो है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, साहस, हाल ही में साहस और नेतृत्व के लिए 2019 मैकन संस्था पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसको ऑनर्ड किया गया है 19 का मैकन इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर करेज एंड लीडरशिप रिसेंटली के लिए? तो इसका आंसर क्या है? छाया शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, हाल ही में साहस और नेतृत्व के लिए 2019 मैकन संस्था पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया है छाया शर्मा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन अपने पहले उपन्यास, उपन्यास का नाम क्या है? दोपहरी, यहां पर दूसरी लिखा गया है तो इसको सही कर लीजिएगा। सही नाम क्या है? दोपहरी के साथ आने के लिए तैयार है। और ये किसका नोवेल है, बायोग्राफी जो है, उपन्यास है, वो है आपका पंकज कपूर का। किसका? पंकज कपूर का जो है ये नोवेल है जिसका नाम क्या है? दोपहरी। और पंकज कपूर कौन है? ये एक्टर है। और मैं बता दूं ये शाहिद कपूर के फादर है, ठीक है। थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, ये शाहिद कपूर के जो है वो फादर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंटरनेशनल मदर डे हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को, या मई में दूसरे शनिवार को, या मई में दूसरे रविवार को? तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल मदर डे जो मनाया जाता है मई में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डीआरडीओ द्वारा किस हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया गया था? आपको बताना है डीआरडीओ। और आजकल क्वेश्चन भी आपका यह है, दूसरा क्वेश्चन, डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है ना वो क्या है, ये आपको कमेंट कर बताना है। डीआरडीओ का हेड क्वार्टर क्या है और डीआरडीओ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। और डीआरडीओ के द्वारा किस हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कौन आईसीसी अंतरराष्ट्रीय मैच रेफरी के पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बन गई है? कहने का मतलब है वो पहली महिला कौन है जो आईसीसी क्रिकेट यानी टूर्नामेंट में जो है ऑफिशियली एम्पायरिंग करेगी, यानी वो आईसीसी का, यानी कोई काउंटी मैच, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, कोई आईपीएल नहीं, आईसीसी के जो तीन फॉर्मेट है, कौन कौन सा? आपका वनडे, T20 और टेस्ट मैच, इसमें उनका नाम जो है वो शामिल कर लिया गया ऐसा अंपायर, आपको बता, अंपायर बोल रहा हूं, रेफरी। और ये पहली महिला बन गई है, वो पहली महिला का नाम क्या है? वो है आपका जीएस लक्ष्मी। ये है आपका पहली महिला जो आईसीसी के पैनल में ऐसे रेफरी इनको इंक्लूड किया गया है। और आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो कहां पर है? वो आपका दुबई में है, जो पड़ता है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, यानी यूएई में पड़ता है। और एक बात, आईसीसी के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, शशांक मनोहर उनका नाम है जो आईसीसी के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत पे, ये क्या है? भारत पे एक मर्चेंट है, एक यूपीआई है जिसके सहायता से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बहुत फेमस हो रहा है दिन पर दिन। आपको बताना है भारत पे के जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं उनका नाम क्या है। तो भारत पे एप्लीकेशन का जो ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है उनका नाम है सलमान खान। और एक बात मैं बता दूं, भारत नाम से सलमान खान की मूवी भी आ रही है, ठीक है, याद रखिएगा। विका 2019 का पहला संस्करण इसरो के कितने केंद्र में आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम विका 2019 नाम दिया गया है, वो इसरो के कितने केंद्रों में जो है वो आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। और सही आंसर क्या है, 4, ठीक है, कितना? 4। और इसरो का जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर के सिवान। और एक बात, इसरो का हेड क्वार्टर कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। भारत द इंडियन आर्मी फोर्स का जो एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या दिया गया है, बुल स्ट्राइक, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये जो आयोजित किया जाएगा एक्सरसाइज जिसका नाम दिया गया है बुल स्ट्राइक इंडियन आर्म फोर्स का,
वो आयोजित किया जाएगा आपका टेरेसा द्वीप पर। और ये कहां पड़ता है? तो निकोबार आइसलैंड के पास पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने। भारतीय अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2019 की मेजबानी किस शहर में करने जा रहा है, यह आपको बताना है। जो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल आर्मी गेम 2019, ये कहां पर हो रहा है? तो ये याद रखिएगा, ये जैसलमेर में हो रहा है। और जैसलमेर कहां पर पड़ता है? तो सभी को पता है भैया, ये राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर। वहां की सीएम कौन है? अशोक गहलोत। लेकिन आपको बताना है, आज का क्वेश्चन आपका पहला है, राजस्थान के राज्यपाल यानी राजस्थान के गवर्नर कौन है, ये चीज आपको कमेंट कर बताना है। और एक बात, जो ये इंटरनेशनल गेम है इसमें 8 देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें एक चाइना भी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, CAAT क्रिकेट रेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और बल्लेबाज ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बन सकता है। तो जिसे ये ऑनर दिया गया है बैट्समैन ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया, वो दिया गया आपका विराट कोहली को, जो एट प्रेजेंट इंडिया भारत टीम के जो है वो कप्तान है, कैप्टन है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में आयोजित CAAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? अभी मैंने आपको दिखाया जो बैट्समैन ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वो मिला है विराट कोहली को। लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया मोहिंदर अमरनाथ को। अब ये कौन है? तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो मोहिंदर अमरनाथ है ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे इंडिया के, और 1983 वर्ल्ड कप में इनका बहुत अच्छा योगदान था, जिसके कारण जो इंडिया है वो वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने बताया है कि चंद्रमा लाखों वर्ष से सिकुड़ रहा है और हिल रहा है? ये जो है श्रिंकिंग एंड सैंकिंग फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर, जो चांद है वो लाखों वर्ष से जो है वो सिकुड़ रहा है और हिल रहा है, ये किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा बताया गया, ये आपको बताना है। तो ये बताया गया है आपका नासा के द्वारा, और नासा का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। और नासा के जो चेयरमैन है उनका नाम भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या है? जिम ब्रिंडेंटस्टाइन, उनका चेयरमैन है कहां के? नासा के। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में उड़ीसा के पूर्वी भाग में किस सांप की एक प्रजाति जो है वो खोजी गई है? स्नेक की जो नया प्रजाति है वो खोजा गया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में, वो कौन सा प्रजाति है सांप का, ये आपको जानना है। तो उस जो प्रजाति है उसका नाम है आपका विन, VINE विन, यहां बेल लिखा गया है, आप लिखिएगा विन। और एक बात मैं और बता दूं इस क्वेश्चन से, ये जो प्रजाति लास्ट टाइम देखी गई थी वो देखी गई थी 1906 में, तो कितने साल पहले देखी गई थी देख लो, यानी 113 साल के बाद दोबारा ये प्रजाति जो है सांप की वो दोबारा देखी गई है। कहां देखा गया है? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और वहां के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और वहां का जो राज्यपाल है वो कौन है? भुवनेश्वर राजपाल बोल रहा हूं, वहां के जो राज्यपाल तो गणेशी लाल है, और उड़ीसा का जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर, ये सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस कार निर्माण कंपनी ने 2039 तक दहन इंजन को छोड़ने की घोषणा की है? यानी कंबंसन इंजन जो है 2019 तक इस इंजन को छोड़ देगा कौन सा कार कंपनी, ये आपको बताना है 2039 तक। तो वो कंपनी कौन है? मर्सिडीज बेंच, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा 2039 तक जो ये इंजन है ना, ये इंजन को जो है वो छोड़ देगी ये कंपनी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, RBI द्वारा यस बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी यस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उनका नाम आपको बताना है, और उनका नाम क्या है? आर गांधी। ठीक है, अगला और एक बात, आपका दूसरा प्रश्न भी इसी से है, आपको यस बैंक का हेड क्वार्टर और यस बैंक का जो है आपका टैगलाइन
ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। आज का दो क्वेश्चन आपका क्या है, एक तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है वो बताना है, और दूसरा यस बैंक के हेडक्वार्टर कहां पर है और यस बैंक के चेयरमैन बोल रहा हूं, यस बैंक का टैगलाइन क्या है, ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट कर अभी बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है महिलाओं की कैटेगरी में। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिलाओं एकल खिताब किसने जीता है, उनका नाम बताना है, और उनका नाम है कीकी बर्टेंस ने यह खिताब जीता है, मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। और मैंने कल ही बताया था जो मेंस कैटेगरी में जो मेंस कैटेगरी है उसमें खिताब किसने जीता है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, यह भी आपको कमेंट कर बताना है।